नमस्कार दोस्तों मोस्ट अवेटेड यहाँ पे जो अपडेट मैं आपको दे रहा हूँ मोस्ट अवेटेड देखिएगा जो अपडेट था वो आज क्लैरिफाई हो चुका है और अगर आप देखेंगे तो इसका इम्पैक्ट आपको लॉन्ग टर्म में देखने को मिलेगा बहुत सारे लोग ट्राइडेंट को लेकर परेशान हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ अगर आप ट्राइडेंट को लेकर परेशान हैं तो आप अच्छे रिटर्न नहीं बना सकते क्यों क्योंकि देखिएगा जब एक अच्छा स्टॉक लगातार अपर सर्किट लगातार अपर सर्किट लगातार अपर सर्किट देता रहता है तब तो सबको बहुत मज़ा आता है चूँकि वो पाँच दिन में दस दिन में आपको प्रॉफिट बना के दे रहा था बट आफ्टर लॉन्ग टाइम जब कंपनी थोड़ा सा स्टक हो जाती है कंसोलिडेट करती है तो लोग उसको बेच के निकल जाते हैं या फिर उसमें एंट्री करने की नहीं सोचते हैं तो मैं आपको यहाँ पे साफ साफ बताना चाहता हूँ कि अगर आप सच में रिटर्न कमाना चाहते हैं तो लाइक आपको पता है कि मेरे पास पाँच छः रुपए के रेट पे ट्राइडिन का स्टॉक है तो आपको पता है वो जो स्टॉक मैंने बताया था तो उस समय भी वो स्टॉक तुरंत नहीं चला था तुरंत नहीं चला था इट विल टेक टाइम टू रन चीजें एग्जीक्यूट होंगी ऑन द ग्राउंड आएंगी तभी चीजें बढ़ती है। तो हैं तो ट्राइडेंट ऐसे स्टॉक हैं लाइक किन को आपको दो साल एक साल तीन साल भूलना पड़ेगा और देन आफ्टर दैट आप देखेंगे जितना अच्छा इनका कॉर्पोरेट गवर्नेंस है जितना अच्छा इनका बिजनेस ग्रोथ है जितना अच्छा इनका वर्क एथिक्स है वो सारी चीजें आपको लॉन्ग टर्म में रिटर्न बना के देगा क्योंकि गवर्नमेंट का पूरा प्लान किस पे है देखिएगा पूरा प्लान टेक्सटाइल पे आप देख लो स्कीम को बिल्कुल पी स्कीम जो है वो अप्रूव्ड हो चुकी है एग्जीक्यूट एग्जीक्यूट होने जा रही है तो आप देख सकते हैं इससे जॉब कितनी क्रिएट होगी 2.4 लाख आपको भी पता है कि इंडिया में इस समय टेक्सटाइल की कितनी डिमांड है और आपको ये भी पता है फॉरेन में कितनी ज्यादा टेक्सटाइल की डिमांड है श्रीलंका देखिएगा आपको पता है पूरी तरीके से इमरजेंसी में है। तो उसकी डिमांड को भी देखिएगा इंडिया और देश जो बड़ा देश जो कि इंडिया है आपको पता है जहां पर आपको देखने को मिली है तो यहां पर गवर्नमेंट ने देखिएगा अप्रूवल दे दिया है इकसठ कंपनी सिक्सटी कंपनीज को क्या दे दिया है अप्रूवल दे दिया है स्कीम के लिए जहां पर गवर्नमेंट किसी सेक्टर को सपोर्ट कर रही होती है और खुद भी आप अच्छे होते हो खुद भी कंपनी अच्छी होती है तो इससे बेटर कोई चीज हो नहीं सकती इसमें आपको ज़्यादा समझाने की भी जरूरत नहीं है तो आप देख सकते हैं पूरी तरीके से यूनियन गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर एज वन एज सिक्सटी वन कंपनीज यानी कि ये पूरी तरीके से फाइनेंशियल सपोर्ट है कितनी कंपनियां हैं सिक्सटी वन है कितना देखिएगा अमाउंट है दस हजार करोड़ पी स्कीम के थ्रू वादा किया था बजट में अनाउंसमेंट किया था और उसके बेसिस पे एग्जीक्यूशन भी आपको देखने को मिल रहा है तो जब इतनी तेजी से काम चल रहा है तो आने वाले टाइम में देखेगा ये रिटर्न तो बना के देगी ही कंपनी क्योंकि आपको पता है ऑलरेडी जो लोग रिटर्न बना के बैठे हुए हैं वो मल्टी बैगर रिटर्न बना के बैठे हुए हैं कंपनी के रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं कंपनी का कारपोरेट गवर्नेंस अच्छा है कंपनी मजबूत होती चली जा रही है तो ये सब चीजें देखिएगा शो करती कि आगे चल के कंपनी में अच्छी जान आ सकती है तो आप देख सकते हैं टोटल जो इन्वेस्टमेंट है एक्सपेक्टेड फ्रॉम द एप्लीकेंट्स इज रुपीज नाइनटीन थाउजेंड करोड़ अगर आप देखेंगे तो अगर आप देखेंगे जो टर्नओवर होगा टोटल वो होगा वन एट्टी फोर थाउजेंड देखिएगा क्या थाउजेंड करोड़ के आसपास का होगा टाइम कितना होगा फाइव ईयर तो जितने लोग भी देखिएगा अच्छे स्टॉक को टाइम देते हैं देन आफ्टर दैट दे विल गेट द रिटर्न ये एक बिल्कुल श्योर शॉर्ट मेथड है अगर आप देखिएगा टाइम देंगे अच्छी कंपनी को तो आप रिटर्न भी पाएंगे अच्छी कंपनी से तो आप देख सकते हैं ये कंपनी और ये जितनी भी कंपनियां हैं लाइक आप टेक्सटाइल की कोई भी कंपनी की बात करोगे तो वो रिटर्न क्यों बना के देगी क्योंकि गवर्नमेंट को भी जॉब क्रिएट करनी है जॉब क्रिएशन उसी सेक्टर में हो सकता है जहां पे लेबर पावर हो मैन पावर का यूज़ हो ऑटो में देखिएगा पहले पी एल आई स्कीम आई फिर अगर आप देखेंगे तो अब टेक्सटाइल में चल रही है इंफ्रा पे वर्क चल रहा है क्यों क्योंकि जॉब क्रिएशन करना है जितना जॉब क्रिएशन होगा उतना ज़्यादा बर्डन गवर्नमेंट का कम होगा और इस पर्टिकुलर सेक्टर में काफी अच्छा जॉब क्रिएशन भी है और इस समय डिमांड अपने देखिएगा पीक पे है लाइक like आपको चीजें बनानी है केवल प्रोड्यूस करनी है सेलिंग की चिंता नहीं करनी है कहते नहीं है सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड तो उसी तरीके का देखिएगा सिचुएशन है कि इस समय अगर आप अच्छी तरीके से टेक्सटाइल में वर्क कर रहे हैं देन आफ्टर दैट आपको डिमांड की चिंता ही नहीं करनी है इसीलिए गवर्नमेंट इस सेक्टर को सपोर्ट कर रही है और बहुत अच्छी तरीके से देखिएगा टू पार्ट बेस देखेगा पीएलआई एल आई देखिएगा अप्रूव्ड यहाँ पे कर दी गई है जिसमें 300 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा मिनिमम टर्नओवर 600 करोड़ के आसपास होगा और देखिएगा दूसरे में 100 करोड़ के आसपास होगा और मिनिमम देखिएगा 200 करोड़ के आसपास का देखिएगा टर्नओवर होगा तो यहाँ पर कई सारे एप्लीकेंट हैं उनको अप्रूव्ड कर दी गई है स्कीम जिससे ट्राइडेंट को भी फायदा होगा और ट्राइडेंट पे दूसरा सबसे बड़ा देखिएगा जो अभी एक बहुत बड़ा इवेंट आना है वो इनके रिजल्ट आने इनके रिजल्ट इस समय सबसे मेन फैक्टर हैं क्या रिजल्ट में अच्छा इंप्रूवमेंट करने वाले हैं क्या फेवरेबल आउटकम आने वाला है अगर इन दोनों में से कोई भी चीज़ देखने को मिली तो स्टॉक में देखिएगा 59 लेवल का जो रुपीस का लेवल है वो टूटेगा और अगर ऐसा नहीं देखने मिलेगा तो स्टॉक अभी कंसोलिडेशन के जोन में रहेगा फिर आगे चल के जब ये देखिएगा एस एम लिस्ट में से बाहर आएंगे देन आफ्टर दैट आपको चीजें देखने को मिलेंगी तो अभी तो स्टॉक के लिए फिफ्टी नाइन रुपीज एक बहुत ही एसेंशियल एलिमेंट है ये कब जा सकता है जब बहुत बड़ा पॉजिटिव अपडेट है बहुत बड़ा पॉजिटिव इवेंट बने तब ये जाके देखिएगा टूटेगा ये टूटेगा देन आफ्टर दैट देखिएगा नया हाई आपको बनता हुआ देखने मिलेगा अभी के लिए केवल वॉल्यूम की कमी हो रही है क्योंकि इवेंट अभी कोई बिल्कुल एग्जैक्टली exactly बहुत अच्छा नहीं आ रहा है तो जितने लोग भी सस्पेंस में हैं अगर आप देखिएगा वैसे तो मैक्सिमम लोग प्रॉफिटेबल ही हैं इसमें मैक्सिमम लोग और जो लोग नहीं भी हैं वो कहीं ना कहीं आ जाते होंगे जब दो तीन रुपए स्टॉक ऊपर भागता है तो अगर आप ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो आप दूसरे स्टॉक को भी देख सकते हैं लेकिन अगर आपने इन्वेस्टमेंट के पर्पज से स्टॉक को लिया है तो आपको वेट एंड वॉच करना चाहिए उसके रिटर्न भी आपको अच्छे देखने को मिलेंगे तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ना भूलेगा थैंक यू सो मच